अब इस हफ्ते के स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या होंगे, आज के भी कुछ और ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन ऐसे तो जाने नहीं देंगे हम दिवाली की एक पिक से हमारा मन नहीं भरा, एक और पिक बताइए हमें। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका। द अदर पिक विल बी कैन बैंक। मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में कैन बैंक इज आउट परफॉर्मिंग और कोई दो राय नहीं। जिस तरह उनके निम और उनकी जो बुक एक्सपैंड कर रही है, कैनरा बैंक आर्ग्यूबली इज द बेस्ट प्ले ऑन द पीएसयू बैंक्स। और मुझे लगता है कैन बैंक यहाँ से 450 का आपको लक्ष्य देगा। ये देखिए, ये न्यू हाई पे जा रहा है, तो इट इज नॉट दैट कि ये आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन आई वॉन्ट टू गो विथ क्वालिटी। कैन बैंक वुड बी माई अदर स्टॉप पिक ऑन द फॉर दिवाली फॉर वन ईयर। ठीक है बसीर साहब, आपके दो शेयर्स तो हमको मिल गए दिवाली वाले, जिसमें दिव्यानी बता रहे हैं और आप कैन बैंक बता रहे हैं, अलॉन्ग विद द रीजनिंग आप उसके रीजंस भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों आप उसको बाय करने की बात कर रहे हैं। बसीर साहब, आपने अर्निंग्स के बीच में थोड़ा टाइम निकाल के देखा भी होगा कि कौन से शेयर्स की अर्निंग आई है अच्छी, या फिर जहां पर आपको वैल्यू और ग्रोथ दोनों अच्छा दिख रहा हो वो शेयर्स भी लगे हाथ बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। डिम्पी जी देखिए, कोटक बैंक में थोड़ी अनसर्टेनिटी थी विद उदय कोटक गोइंग, बट इतना लार्ज इंस्टीट्यूशनल बैंक, और आज अभी आपने पढ़ा है कि ज्यूरिक इज बाइंग द इंश्योरेंस फॉर अ वेरी वेरी रीजनेबल, यू नो, एक्सेप्शनल अमाउंट। उनके जो पेडिग्री साइड बिजनेसेस हैं उसकी तो आप वैल्यूएशन दे ही नहीं रहे। तो अगर मुझे मार्केट में भी तेजी दिख रही है, मुझे लग रहा है रिलायंस और एचडीएफसी और कोटक ने पार्टिसिपेट करना ही करना है। इस भाव पे 1730 रुपए पे कोटक पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। 1850 का टारगेट है और 1700 का स्टॉप लॉस। कोटक बैंक इज एन अनक्वेश्चनेबल बाय हियर। इट विल आल्सो ऐड लेग्स टू द बैंक निफ्टी, विच आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन एज एन इंडेक्स। मेरा दूसरा पिक आप कहें तो मैं वो भी बता दूं आपको, जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल सर, बताइए, वेट कर रहे हैं हम तो, बिल्कुल बताइए सर। तो देखिए, आपने अडानी पावर के नंबर देखे, दे वर एक्सेप्शनल। अडानी पावर की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ की है, मगर द बेस्ट एंड द मैक्सिमम इंटीग्रेटेड पावर प्लांट पावर प्ले प्रोड्यूसर इन द कंट्री इज टाटा पावर। टाटा पावर ईवीज में जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, जिस तरह से उनके बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं, इज एक्सेप्शनेबल। और मुझे लगता है कि टाटा पावर जैसा शेयर है नहीं जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये इट विल पावर योर पोर्टफोलियो। 244.45 में लीजिए, 236 का स्टॉप लॉस रखिए, 235-36, 270 इसकी अर्निंग्स हैं। और मैं कह रहा हूं ये क्वार्टर में जो अर्निंग्स हैं लास्ट 12 क्वार्टर से बेस्ट आएगी, और अर्निंग्स आर देयर ऑन द 8th, वेरी वेरी श्योर। जिस तरह से अडानी की री रेटिंग हुई है, टाटा पावर अगर 270-275 निकल गया तो आपके हाथ नहीं आएगा ये शेयर। इस भाव पे टाटा पावर इज अ मस्ट बाय।